फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती हैं आप लोगों की कि कॉस्ट ऑफ 2 BHK, कॉस्ट ऑफ 3 BHK इंटीरियर का कितना पड़ेगा, या हमें अपने घर का इंटीरियर कराना है तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। जैसे लेट्स सपोज मुझे एक कार लेनी है स्विफ्ट, और उससे उस अगर मैं पूछता हूँ सेल्समैन से कि उसकी कार मुझे परचेज करनी है, उसकी कॉस्ट क्या होगी स्विफ्ट की, तो ऑफकोर्स उसके क्वेश्चन होंगे कि आपको सर कौन सा वेरियंट लेना है, आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए आपको, और आपको मिड रेंज चाहिए, हाई सेगमेंट चाहिए। तो ऐसे इंटीरियर पे भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। और जैसे कि डिज़ाइनिंग फैक्टर एक काफ़ी मेन फैक्टर है, आपका मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं आप, एरिया कितना यूज़ करवा रहे हैं आप। फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने 3 पार्टों में इंटीरियर की कॉस्ट को डिवाइड करी है। फर्स्ट होता है आपका कि आप नॉर्मल जो इंटीरियर करा रहे हैं, बेसिक इंटीरियर करा रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो पड़ती है, लेट सपोज वो उसकी जो अगर आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट है, तो आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 1000 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ सकती है। और वहीं अगर आप मिड रेंज इंटीरियर करा रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 1500 पर स्क्वायर फीट से लेकर 2500 या 2500 पर स्क्वायर फीट तक पड़ सकती है। और वहीं अगर आप प्रीमियम या लग्जीरियस में इंटीरियर कराना चाह रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 2500 रुपये से लेकर 4500 पर स्क्वायर फीट तक पड़ सकती है।